तो दोस्तों मैं हूँ आपका ऑटो ऑलरेडी में वीडियो लेके आपके सामने फिर से आ जाता हूँ। हमारी वीडियो है वो वीडियो बजाज पल्सर 125 की हम बात कर रहे हैं। तो देखो यार, अब ये जो बाइक है ये बाइक BS6 में आने वाली है, तो उसके अंदर क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं तो इसके बारे में मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो चीज़ है कि देखो, हर बाइक्स में हो रहा है तो इस बाइक में भी कुछ ना कुछ सेम वही मिलने वाला है। FI आपको इसके अंदर मिलेगा, काइनेटिक कन्वर्टर भी आपको इसके अंदर मिलेगा। इसमें अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ जो आ गई है वो ये आ गई है कि इसके अंदर अब आपको LED हेडलाइट्स मिलने वाली हैं। BS6 के सभी बाइक्स के अंदर आपको LED हेडलाइट मिली है, तो इसके अंदर भी आपको LED हेडलाइट ही मिलेगी। बात करी जाए पावर की, तो पावर जो है वो पावर 0.6 BHP बढ़ी है, 0.6 BHP बढ़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा। ज़्यादा आपको इसमें कुछ ज़्यादा लगेगा भी नहीं, टॉर्क आपका सेम उतना ही रहने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसके अंदर जो हमारी ग्राफिक्स हैं वो चेंज होंगे या नहीं होंगे। तो देखो यार, इसके अंदर अभी कोई भी ग्राफिक चेंज नहीं होने वाले हैं, इसका कोई अभी कंफर्मेशन नहीं आई है कि वैसे ही, क्योंकि अभी ये बाइक अभी अभी लॉन्च करी तो इसके अंदर वैसे ही कोई ग्राफिक्स के ऊपर इतने कुछ काम करने की मुझे नहीं लग रहा कि कंपनी को ज़रूरत है, क्योंकि 125 CC अभी लॉन्च हुई है, ज़्यादा तो इसको टाइम हुआ नहीं है। मुश्किल से अभी तक तो शायद 4 से 5 महीने भी नहीं होंगे इस बाइक के चेंज हुए हुए। ओवरऑल देखा जाए कि टायर साइज भी वायर साइज भी सब सेम है, लेकिन हाँ, इसके अंदर आपको एक थोड़ा सा हल्का सा एक फील ये मिलेगा कि आप थोड़ी सी बल्कि बाइक लगा चला रहे हो। चलाने का मतलब ऐसा है कि कहने का मतलब ये है कि काउल्स वाउल्स के ऊपर थोड़ा सा ग्राफिक का चेंज हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। ये हम एक प्रिडिक्शन लगा रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है, और कुछ नया नहीं आया इस बाइक के अंदर। यही इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के सामने शेयर कर ली।